बेसिकली गाइस वो प्रैंक नहीं था, मैंने एक्चुअल में JLS बुक की थी। बट बोलते हैं ना, वो बुक करने के बाद वो सैटिस्फाइंग फील ही नहीं आ रही थी मुझे, बहुत अंदर से अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था। ब्लाइंड टू कम आउट और नो? नहीं, बाहर नहीं आने गए, अभी गाड़ी चलाने गए। हमने ना वो गाड़ी घर के अंदर रखी है ताकि जब भी स्काई को अंदर जाना है गाड़ी में बैठ जाए। स्काई का बर्थडे खत्म हो गया, लेकिन अभी आने वाला है क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और न्यू ईयर के लिए इस बार बता दे तो हमारा कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं है बाहर जाने का। हम जो भी करेंगे यहाँ करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन वी वर नॉट इन इंडिया हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मुंबई में पवई में ही रहने वाले हैं। बैठने का वॉश योर हैंड्स, वाटर इज नॉट कमिंग नाउ व्हाट, थोड़ा सिखा रहा उसको। वाटर इज नॉट कमिंग नाउ व्हाट यू विल डू, देयर इज अ टैप ओवर देयर, टैप this one, not that one, this one, pull, yeah, now wash your hands like this, wash your feet like this. उसको थोड़ा खिलाया था ना, थोड़ा वो गंदा हो गया। not to waste water, use little water is more than enough for you. you are done now, okay? इसको देखो बहुत गुस्सा आता है, जब भी पानी से दूर करो तो गुस्सा आता है। बेटा you can't ना, चलो मारना नहीं मेरे को, मैं वो मारती कभी कभी। नो हो गया, यू आर डन, यू आर क्लीन, यू आर क्लीन, डोंट होल्ड द डोर, डोंट होल्ड द डोर, यू आर क्लीन। ऐसा बार बार पानी के सामने नहीं बैठ सकते, पानी को वेस्ट नहीं कर सकते ना स्वीट हार्ट। नाउ वॉक और क्रॉल, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू। गुस्सा आ गई। इसको चाहिए, मैं पानी के सामने बैठा दूँ उसको। हमारे स्प्राउट्स बन रहे हैं, ये खाऊंगा उसके बाद मैं जिम जा रही हूँ। खुल गया, कल मैं जिम जाऊंगा। आज से मेरा और शनिस दोनों का राइट, हमारा वर्कआउट चालू है। मेरे को तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूरोप के बाद से बंद है मेरा। तो अभी स्काई क्या देख रही होगी, स्काई देख रही है खुद का वीडियो, और खुद का वीडियो देख के उसको आ रहा है मजा। ये देखो मैडम, फुल जिम में आने के लिए एकदम। टी शर्ट कितनी लूज हो गई तेरे को? बहुत। मैं तो ऐसी कुछ भी पहन के आ गया जिम, अपने को तो आज वर्कआउट से मतलब है। सो मुंबई का वेदर बीच में बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन अभी वापस गर्मी आ गई। वो ठंडी आने के पहले एक छोटा सा भपका आता है गर्मी का, एक हफ्ते का। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एक्चुअली गो टू द पूल, बट वी आर गोइंग टू द जिम। शनिस, हमारा नसीब अच्छा है, पूरा जिम खाली है, तो पूरा जिम जो है हमारा है आज के लिए। एटलीस्ट एक घंटे के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो जो पहले मैं वर्कआउट फिर शनिस करने वाली थी, हम लोग एक साथ कर रहे हैं, और बारी बारी एक एक सेट के बाद। मैं स्काई को देख रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ, इधर उधर चले जाए। स्काई को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। फॉर सम रीजन स्काई को जिम में बहुत मज़ा आता है। पहले वो उधर योगा वाले उधर थी, खेल रही थी सब चीज़ के साथ। शानिस ने वार्म अप कर लिया, अभी शानिस जो है ट्रेडमिल यूज़ किया, उसको मैंने फिर अच्छा खासा वेट कराया, और अभी वो साइकिलिंग कर रही है। उसके बाद स्काई को संभालेंगे। ये देखो स्काई का वर्कआउट करा रहे हैं कि तू वर्कआउट करेगी, तो स्काई वॉक करा रही है मामा को। ठीक है भाई, मेरा तो वेट ट्रेनिंग हो गया। अभी शानिस जो है बिना टेंशन के वर्कआउट करेगी। ये सो गई थी, इसको दूध पिलाया था ट्रेडमिल पे, वो साइकिलिंग पे बैठ के, और अभी मैं इसको जाके गाड़ी में बैठूंगा। अगर ये सोई तो, नहीं सोई तो स्विमिंग पूल का खेलेंगे। इसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ऑर्डर कर दिया, जब आएगा उसको स्विमिंग करवाएंगे। बहुत ही खूबसूरत टाइम वेदर हो रहा है, और स्काई को मैंने यहाँ पर सुला दिया, और मैं इधर बाजू में बैठ के मस्त लेटा हूँ, और जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहा हूँ। मेरे को अभी सनसेट होने वाला है, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। वैसे स्काई इतना हिलती नहीं है, बट स्टिल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा चिपका देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ। आई जस्ट नोटिस, ये बलून जो है इधर ही पड़े हैं, मुझे लगता है ये लोग अपने आप डिफ्लेट हो जाएंगे तभी फेंकेंगे। फोड़ना में कितना सेटिस्फाइंग फीलिंग आएगी ना। वो एको इतना बड़ा था ना, पूरा उधर उधर सब जाके आया। और एक बार करते हैं अच्छे से। आया किसी को लग रहा है किसी ने फायर ही कर दिया। देखो पीछे की सीट में तो इतना बड़ा गिफ्ट है, और ये स्काई का फोटो है जिसको अभी हम शायद घर पे लगाएंगे। और यहाँ पर देखो इधर भी गिफ्ट है जो कि हम लोग को अभी निकालना है। ये टेडी बेयर है, टेडी बेयर। अभी बाप रे बाप, स्काई अगेन टू यंग टू प्ले विद टेडी बेयर, बट स्टिल दे दिया तो अच्छी बात है। चेयर्स चेयर्स, चेयर्स। और ये हमारी बच्ची को भी चेयर्स करना है, कॉफी और हॉट चॉकलेट के साथ। सारी चॉकलेट में पीऊंगी, इतनी सारा कुछ। उसका फेस देखो, मैं तो गिरा के ही रहूंगी, मैं तो गिरा के ही रहूंगी। तो ये मिल गया क्रिसमस ट्री, शानिस वहाँ पर बैठी है। मैं भाव पूछ रहा हूँ कितने का है भाई। शानिस को मैंने बोला देख सोच समझ के ले, ये क्रिसमस के बाद जाएगा डक्ट में, फिर पड़ा रहेगा एक साल के लिए। तो या तो अच्छा वाला ले, या तो एकदम बेसिक वाला ले जो अपन फोल्ड करके रख सके। अच्छा वाला इसलिए हर साल यूज हो,
अब अगले साल अपन ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता ना, तो इसके लिए भाई लखनऊ ऐसी जगह आएगी तो क्या एक्सपेक्ट कर, सस्ता मिलेगा। और शायद इस दुकान वाले की जगह मुझे बोल रही है, तू क्या बोल रहा, तो बहुत महंगा दे रहा था। मैं दुकान वाला थोड़ी हूँ, तो उसको बोल रहा। मैं तो भैया को ही बोला कि भैया आप क्या बोल रहे हो, डबल डबल भाव बोल रहे हो, ट्रिपल भाव बोल रहे हो। लखनऊ वाला है, रात का टाइम है तो ज्यादा ही बोलेगा। मेरे घर पे जो क्रिसमस ट्री पड़े थे सालों से, वो मतलब मेरे को 2000 कनाडा क्रिसमस ट्री बहुत सस्ते भी लिया था वो, लेके आप पता था बहुत बड़ा था, 6 फीट बहुत बड़ा 6 फीट का था ना, बड़ा अच्छा भी लग रहा था, घर से छोटा। पूरा मेसेबल की हालत तो बहुत गंदी हो रही है भाई साहब। एनीवेज गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, आज ब्लॉग नहीं डाला, सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अरे कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने ऐसे बताया था कि गाइस गेस करो ये प्रैंक है, सच में मैंने किसी को मर्सिडीज़ के एग्जीक्यूटिव को बुला के मैंने एक ज्वेलर्स बुक की थी। सो बेसिकली गाइस वो प्रैंक नहीं था, मैंने एक्चुअल में ज्वेलर्स बुक की थी। बट बोलते हैं ना, वो बुक करने के बाद वो सेटिस्फाइंग फील ही नहीं आ रही थी मुझे, बहुत अंदर से अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट जब मैंने OTP भेजी थी तो मुझे मतलब साहिल के थ्रू भेजी थी, थैंक गॉड साहिल को दी थी, किसी और को नहीं दी थी, वरना तो गाड़ी बिक भी जाती। बोलते ना मन अशांत था मेरा, ऐसा था कुछ गलती कर रहा हूँ, पता है गोलमाल है वो, ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था। मैंने शाने से डिस्कस किया, शाने से कहा था जो तुझे सही लगे वो तू कर। एंड जब मैं कनाडा से वापस आया, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू बाय GLS एंड लेट मी कॉल साहिल। आई टोल्ड साहिल कि देखो ऐसा है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसमें सोरन बाजी मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे गाड़ी को जल्दी आने में, बेसिकली स्काई के बर्थडे के दिन गाड़ी डिलीवर होती। एंड मैंने अपने पहले तो ऑडी लेके आया, उसके बाद मैंने GLS जो है कैंसिल की। जब कैंसिल की तो मुझे ऐसा था बुरा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। और मैंने गाड़ी कैंसिल कर दी, बेसिकली मुझे अभी कोई भी पैसा, लाइक आई हैव अ बिग कार, आई हैव अ स्मॉल कार, आई हैव अ गुड मोटरसाइकिल, आई हैव अ स्कूटर, आई हैव अ हाउस, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन ऑल दिस थिंग अगेन। मैं पहले कैसा था आप लोगों को पता है, लास्ट एक साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद थी अभी पसंद नहीं है, और जो पसंद नहीं थी अभी पसंद आने लगी है। प्रॉब्लम इज अ चेंज, इज अ शिफ्ट जो कि हर इंसान गुजरता है जब उसका फैमिली कंप्लीट होती है। तो मैं शायद जो उसका अपने ककून में बहुत ज़्यादा खुश है। अगर मैं अपनी मन की बात करूँ, और बहुत आप में से बहुत कम लोग समझोगे कि मुझे कभी भी ना वो शो ऑफ में बिलीव ही नहीं था। मैंने जब बाइक भी ली तो मैंने ऐसी जाके ले ली, मैंने गाड़ी भी जब क्यों ली ऐसी ले ली, मैंने कभी कोई तामझाम नहीं किया। हाँ, गाड़ी लेने के बाद मैं सीधा ट्रिप पर, मतलब गाड़ी का यूज़ क्या है, घुमाओ बाइक का यूज़ क्या है, घुमाओ उससे, मतलब वो बवाल करने का मुझे कभी जो करते हैं अच्छी बात, बट मुझे कभी भी वो चीज़ पसंद आई नहीं। तो पका दिया आप लोगों को, लेकिन मन में आया तो बोल दिया भाई, यही तो व्लॉगिंग का हिस्सा होता है, जो मन में आया अच्छी चीज़ है वो शेयर करने का लोगों से अपनी बात, तभी तो आप लोग इतना कनेक्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे, वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आप 17 तारीख को सुबह सुबह देख रहे हो, तो 17 तारीख को मैं IIT जा रहा हूँ, अराउंड 4-5-6 के बीच में रहूँगा वहाँ पर, IIT टेक फेस्ट है, तो अगर आप नज़दीक हो तो ज़रूर आना वहाँ पे। आई एम गोइंग देयर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम गोइंग देयर एज अ स्पीकर, तो मुझे वहाँ पर आधा घंटा मिलेगा बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को मिलने के लिए। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर दैट। अभी मैं गाड़ी लेके जाऊँ, बाइक लेके जाऊँ, मैं उनको पूछ रहा हूँ, तो अगर ऐसा बैक स्टेज डाल पाया बाइक तो बाइक लेके जाएंगे, अगर ऐसा नॉर्मल पार्किंग में डालना तो गाड़ी लेके जाएंगे। कुछ दिन से ना मैंने देखा कि बी जनहानी भी वो जो है ना घर पर आती है, बाद में उसको भगाना पड़ता है, एंड वो सिर्फ ये साइड से, ये विंडो से आती है, किचन के रूम के विंडो से नहीं आती। सो मैं अज्यूमिंग कि यहीं पर कहीं तो ना बाहर, कहीं तो भी, आई डोंट नो नीचे किधर, हाँ मधुमक्खी का छत्ता है। मैं सिक्योरिटी को पूछने वाला हूँ कि है कि नहीं है, बिकॉज रात को ही आती है, जब खिड़की खोल कर रखो ना तो लाइट से अट्रैक्ट होकर आती है। और देखो कल मैंने भारी टब रख दिया था, तो स्काई को नहला रहा था, देख रहा है एक बी मर गई है इधर। सो आई एम प्रिटी श्योर कि वो है। तो मैंने ना गाइज एक नया माउंट डाला है ये फ़ोन के लिए, और जब मैं ड्राइव करूँ तो इस तरह मैं फ़ोन से व्लॉग कर सकूँ, बिकॉज हाथ पकड़ के व्लॉग करने में क्या होता है ना, बहुत तकलीफ होती है, ध्यान इधर उधर जाता है। एंड दिस सेटअप इज़ वेरी वेरी क्लीन, मैं आपको बाद में बताऊँगा मैंने कैसा लगाया, और कैसे ना इससे बहुत कुछ आप बता सकते हो, मतलब अगर मुझे कोई दूसरा शॉट लेना है तो मैं फ़ोन लेके कुछ और बता सकता हूँ। एनीवेज फिलहाल मैं जा रहा हूँ ये गाड़ी को तो उसी बिल्ड में खड़ी करने के लिए, बस ऑडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर से, जब से गोवा से आई है धूली नहीं है, सिर्फ अंदर से साफ करता रहता हूँ। और जो बंदा है वो हाँ पर धोता है, बोलता है सर आप मुझे फ्री में पैसे दे रहे हो, गाड़ी धुलवाने ही नहीं धुलवाना है। मैंने बोला धुलवाना है, मैं वो गाड़ी वहाँ खड़ी कर देता हूँ, बिकॉज वेन्यू भी यहीं थी, ऑडी भी यहीं थी, क्योंकि अभी कैसा ना विंटर है, अभी बाहर आना जाना बहुत लगा रहता है, कभी ये कभी वो, बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो कभी गाड़ी चलती है, कभी गाड़ी चलती है, इसके लिए अभी मैं ये वहाँ पर रख रहा हूँ। और बस फिर अपन जाएंगे मम्मी के पास, मम्मी के लिए मैंने स्पेशल बिस्किट्स मंगाया जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शक्कर नहीं है तो वो क्या शुगरलेस बिस्किट्स है, तो शी लाइक्स इट, सो आई एम गोना गिव इट टू हर। अच्छी बात ये कि मेरा एक्सेस वहीं पर ही पार्क था, ऐसा नहीं कि गाड़ी खड़ी करो धूप में चल कर, ऐसा कुछ भी नहीं, ये खड़ी करूँगा स्कूटर लूँगा और जाऊँगा मम्मी के पास सीधा। और ये शॉट कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना।
अंदर आते हैं ना पार्किंग में अंधेरे में, तो आधा एक सेकंड के लिए ना पूरा ब्लाइंड हो जाता है। तो कोई सामने रहेगा तो उसको ठोकी दो, उसको समझेगा नहीं ठोका क्यों उसको। मैं जब स्कूटर चला रहा था मुझे डिसबैलेंस लगा और मैं तभी समझ गया हवा कम है। ये देखो आगे के टायर में है 5.5 PSI हैंग आउट यहाँ पर लेके आया, मतलब हवा बढ़ते फिर जाते। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मम्मी को फंक्शन में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मम्मी तूने तो मेरे को इतना समझा कि मैं इतनी खुश। मेरी मम्मी ऐसी हां मेरे को सब जानते हो, तुमको जानेगा मेरी माँ सब एकदम, मतलब सब सबको पता है कौन कौन, तो मम्मी तो एकदम खुश हो गई। बढ़ा थोड़ा और बड़ा करना था, मतलब लोगों को ज्यादा बुलाना था, बड़ा हॉल थोड़ा छोटा था। अगली बार मैंने बोला मम्मी अगली बार सेकंड बर्थडे में ना और बड़ा हॉल लेंगे और मतलब आधे पवई को बुलाएंगे, ठीक है, आधा पवई आधा मुलुंड आधा सब कुछ। तो काफ़ी सारे लोग फुल स्लीव शर्ट ले रहे हैं बिकॉज ये वाली शर्ट्स फुल स्लीव में अवेलेबल नहीं है इसके लिए, लेकिन ऐसा गलत है। आप जब बाय करने जाते हो वहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप कस्टमाइज़ करके इसको फुल स्लीव में भी ले सकते हो। तो सारी शर्ट जो कि वेबसाइट पे है उसको आप फुल स्लीव ऑप्शन में भी ले सकते हो कस्टमाइज़ करके, एज सिंपल एज दैट। बट मुझे हाफ पसंद है करके मैंने हाफ बनाई, बट अगर आपको फुल चाहिए आप फुल भी ले सकते हो। उसके अलावा वी हैव ऑल साइजेज, इवन 6XL 7XL, मतलब आप बोलो और बन जाएगी। रोड पे गाड़ी चल रही है, काफी अच्छा खासा जैम है, लेकिन हमको कोई भी टेंशन नहीं बिकॉज स्काई सो गई थी। अभी हमारी स्काइलर उठी है और अभी वो एंजॉय कर रही है ट्रैफिक का व्यू। स्काई बोली अरे ये क्या हुआ, घर से हम ऐसे हम कैसे आ गए, टेलीपोर्टवा हो गया टेलीपोर्टवा। स्काई सबको टाटा टाटा कर रही है और ऐसे कहते टाटा, अरे मैं टाटा कर रही हूँ देख मुझे टाटा टाटा। हाँ क्यूटली करती है बट वो मन की बात, मन की बात। मुंबई चमक रहा है बिकॉज अभी G20 इवेंट हो रहा है, तो फुल लिट अप करके रखा हुआ है, सारे कंट्री के फ्लैग भी। और अभी हम लोग इस तरफ जा रहे हैं बैंड्रा साइड करके, ट्रैफिक नहीं है, ये उस तरफ देखो भाई साहब भयंकर ट्रैफिक। और अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना वहाँ तो और जैम था, ये जाके और जैम करेंगे था। यहाँ तो अपना ब्लू हो गया भाई और थोड़ा टर्न के बाद हो जाएगा अपना रिट्रीट। शूट करने के स्टेटस में नहीं था लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में गूगल मैप ने हिल रोड है भाई, दोनों बैंड्रा में आए ऐसा जगह पतली गली से निकाला ना ऑडियो थी ना तो उधर डेड हो जाते हैं, मतलब पूरी ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं और सब लोग रॉन्ग वे से आ रहे थे। बट कोई नहीं, हम लोग पहुंच गए हिल रोड। अब यहाँ पर क्रिसमस ही क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री ही क्रिसमस ट्री दिख रहा है इधर, तो शानिस क्या करना है, तो उतरेगी ठीक है। और आज फ्राइडे ना कि सैटरडे, सैटरडे होता ना भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती, तो सही टाइम पे आ गए हैं। अब थोड़ा वॉक भी करेंगे हिल रोड में। एक्चुअली हम लोग लास्ट संडे आए थे और फंस गए थे भाई, पूरा फंस गए थे ट्रैफिक में, वैसे एक हफ्ते बाद आना। अभी क्रिसमस की शॉपिंग करना है ना तो बैंड्रा हिल रोड इज द बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से मुंबई में। बाकी पास कुछ है शायद पता है, 2015 में यहाँ पर वीडियो बना रहे थे यहाँ पर ये जगह स्पॉट पे, है ना, अबाउट लिंक रोड शॉपिंग ना। एक्चुअल में बहुत अच्छे अच्छे क्रिसमस ट्री है यार, बहुत अच्छे अच्छे। मेरे को ये वाला पसंद आया बट थोड़ा महंगा है, तो शायद यहाँ पर अपना बेस्ट बार्गेनिंग स्किल्स जो अपना रही है, आई होप अच्छा मिल जाए कुछ। मिल गया, बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गया। अब शायद सजावट ढूंढ रही है और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिसमस ट्री दिखाई दे रही है वाला, बस है ना इसमें बर्फ भी गिरती बड़ी, पूरा स्काई खा जाएगी। तो वो जो सेंटा अंकल हिल रहे हैं वो सेंसर वाला है, सेंसर लगा हुआ है, तो मैंने उसको टच किया तो हिलने लगा। मैं स्काई को देने गया तो स्काई बहुत जोर से रोने लगी, तो मैं ये अंदर वाले एरिया में आया गया, इतनी सारी लाइट्स है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब अगर सेंटा वाला ये मास्क दिखाऊंगा तो डर जाएगी। तो ये सेंसर वाले सेंटा क्लास से थोड़ा डर लग रहा है। ओके सॉरी 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 मैं।